हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 12:30, तो काम सब मेरा हो गया है और सबने शावर भी ले लिया है। और आदि और आरुष होमवर्क कर रहे हैं, उन लोग का होमवर्क आया है। और आज ऑफिस बंद है, गणपति विसर्जन है तो छुट्टी है इसके लिए, नहीं तो फिर मेरा अब तक लंच भी बन गया होता। तो छुट्टी रहती है तो सबका यही हाल है, आराम आराम से सब काम करते हैं, उसके लिए मेरा भी लेट हो रहा है। जा रही हूँ अभी मैं लंच बनाने के लिए, और लंच में बनाऊंगी दाल राइस रोटी और सब्जी। तो चलिए फिर मैं किचन में जा रही हूँ, बना लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पैन में मैं ऐड करी हूँ ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है तो मैं उसमें ऐड करी हूँ जीरा और राई। जीरा चटकने लगा है तो मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और सब्जी मैं बना रही हूँ ग्वार की फली है और दाल रख दी हूँ, कुकर में दाल हो रही है। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो। टोमेटो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं आलू और एक कटी हुई ग्वार की फली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और इसको मिक्स करने के बाद ढक के रख दूंगी मैं 5-7 मिनट के लिए। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में नमक। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और पूजा हो गई है शाम की, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए डिनर। 7:30 हो गया है, जल्दी बनाऊँगी। तो तैयारी सब हो गई है और डिनर में क्या बनेगा? ब्रेकफास्ट सैंडविच, सैंडविच खाना था सबको, तो बाहर गए थे सामान लेके आए हैं। तो तैयारी सब मैं कर ली हूँ। आलू वगैरह बॉयल करना रहता वो सब कर ली हूँ, सारे वेजिटेबल्स कट कर ली हूँ, तो तैयारी सब हो गई है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो देखिए मैं सारे वेजिटेबल्स कट कर ली हूँ और आलू बॉईल की थी तो ये आलू भी भून के रख ली हूँ, जीरा और हरी मिर्च ऐड करके। और ग्रीन चटनी बनाई हूँ और एक ऑयल है ये, और बीट को मैं बॉईल करके ली हूँ, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो आलू के साथ मैं बीट भी बॉईल कर ली थी, उसको भी बारीक बारीक कट कर ली हूँ। तो तैयारी सारी हो चुकी है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ब्रेड में मैं एक साइड चटनी का पतला सा लेयर लगा रही हूँ और दूसरी साइड मैं ये लगाऊंगी भुना हुआ आलू। और इसके बाद मैं इस पे सारे वेजिटेबल्स रखूँगी। तो बारिश हो रही है, ये आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। और आरुष आ गए यहाँ पे, उनको चाहिए, बोल रहे हैं जल्दी बना के दो। तो इसी तरह से सारे वेजिटेबल्स को रख लेना है और इसके ऊपर से फिर मैं ये रख दूंगी ब्रेड, चटनी लगाया हुआ। और सारे सैंडविच को इसी तरह से मैं रेडी करके रख लूँगी, फिर सेकना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसको गैस पे ही बनाऊँगी, सैंडविच मेकर में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसमें उतना अच्छा नहीं पकता है। दो सैंडविच फिल करके रेडी कर ली हूँ, अब मैं सेकना भी स्टार्ट करूँगी साथ में। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, नहीं तो ब्रेड तुरंत चिपक जाता है। तो दोनों साइड से घुमा घुमा के इसको सेकते रहना है, लो फ्लेम पे रखी हूँ मैं, तो ब्रेड बहुत जल्दी जलने लगता है। इसी तरह से सारे सैंडविच को रेडी कर लूँगी मैं। Thank you.
डिनर हो गया फिनिश और सारे काम भी हो गए हैं। अब मैं फ्री हो गई हूँ, आज जल्दी हो गया डिनर मेरा। तो अभी हम लोग बैठेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, इन्जॉय करेंगे। अच्छा लगा, अभी मैं ऐसे ही करूँगी डेली, जल्दी काम कर लूँगी तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा साथ में बैठने का, बातें करने का। तो आरुष और आदि को कंप्लेन रहती है कि टाइम नहीं मिलता उन लोग को। अभी हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर, टीवी देखेंगे, इन्जॉय करेंगे, क्योंकि काम सारा फिनिश हो गया है। तो चलिए फिर मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।